गाइस तो हमारा प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्रायोफाइट्स। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कई बच्चों को दिक्कत आती है कि लाइफ साइकिल के बारे में नहीं है पता, कईयों को मेन फीचर्स नहीं है पता कि जो भी आपके एग्जाम में या नीट एग्जाम में आएंगे, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को आज कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो जनरल फीचर्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो सबसे पहले आपको पता है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। ये बोर्ड लेवल पे कई बार क्वेश्चन आता है, पर बहुत इजी है। आपको पता है कि ब्रायोफाइट जो हैं उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली आपके लिए पानी चाहिए होता है, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो इसको लिए इसको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और ये रहते कहाँ पे हैं, ये मिलते कहाँ पे हमें, इनकी हैबिटेट कैसी है। तो हैबिटेट आपको पता है बच्चे कि इसकी हैबिटेट जो है वो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ये रहते हैं, ठीक है। और रही बात इसके लाइफ साइकिल की कि मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो अगर आपने नहीं देखा है बच्चे तो ये आप देख सकते हैं। आपके जो भी हिमालयन रीजन है या आपके जाइए आप हिमाचल, आप जाइए कश्मीर, तो आपको ऐसे प्लेसेस वहाँ पे इजीली जो है वो आपके ब्रायोफाइट और डेडिफाइट इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर ब्रायोफाइट्स की बॉडी की बात की जाए तो इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो बेसिकली थैलस होती है। थैलस का मतलब होता है जिसमें टू रूट स्टेम लीफ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको नहीं है पता तो मैं थोड़ा सा एक हल्का सा डायग्राम इस टाइप से बनाता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से थैलस बॉडी होती है, ठीक है। नीचे जो होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, राइजोइड कहा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनको आर्किगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर कहा जाता है, ठीक है। और रही बात इसके लाइफ साइकिल की, देखो ब्रायोफाइट्स के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अगर इसका लाइफ साइकिल पता है तो आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले लाइफ साइकिल के बारे में बात करूँगा मैं, बाद में हम बात करेंगे अलग अलग से लीवरवर्ट और मॉसेस के बारे में। अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात करूँ बच्चे तो ये सबसे पहले गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऐसी प्लांट बॉडी जो बेसिकली गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है। और ब्रायोफाइट के केस में आपको पता होगा जो मेन प्लांट बॉडी जो हमें दिख रहा है, जो ये थैलस मैंने बनाया था, ये बेसिकली गैमेटोफिटिक होता है। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो नीट में ऐसा भी आता है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइट्स में या टाइडोफाइट्स में, तो मैंने बता दिया आपको जो आपको प्लांट बॉडी दिख रही है वो गैमेटोफिटिक है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है बेसिकली हैप्लॉइड होती है, सिंगल एंड मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, या इसमें स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, एंथ्रीडियम होता है और एक आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और आर्किगोनिया क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर बात की जाए एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, तो एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड होते हैं जो बेसिकली स्पर्म का काम करते हैं, और दूसरे साइड क्या है, एग है। अब क्या होगा कि ये दोनों जो हैं वो बेसिकली क्या होंगे, जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बेसिकली पानी में, मैंने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये पानी में जो है वो एग के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, तो आपका ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो जाइगोट से बाद में डेवलपमेंट करके क्या होता है कि माइसिस नहीं होती है इस केस में, और ये एक छोटे थोड़े टाइम के लिए एक जनरेशन में आता है जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है, और ये क्या है, बेसिकली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अगर स्पोरोफाइट से आपको पता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो बेसिकली फूड सीट और कैप्सूल में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पे जो कैप्सूल रीजन है वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये आपके स्पोर मदर सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्पोर मदर सेल मायोसिस करेंगे, और मायोसिस के बाद जो है वो माइसिस के बाद आपको पता ही है कि हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये बेसिकली स्पोर्स होते हैं। अब स्पोर्स क्या करते हैं कि सॉइल के ऊपर गिरेंगे और बेसिकली जर्मिनेशन करेंगे, ये एक स्टेज बनाते हैं जो कि टेम्परली होती है, क्रीपिंग स्टेज है, जिसको कहा जाता है प्रोटोनिमा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है बच्चे, प्रोटोनिमा होता क्या है, तो प्रोटोनिमा होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि जब स्पोर बेसिकली जर्मिनेट करते हैं तो वो प्रोटोनिमा बनाते हैं, और वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, और यही प्रोटोनिमा बच्चे बाद में क्या बन जाता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफिटिक थी, स्पोरोफाइट क्या होता है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, और ये जो गैमेटोफिटिक है वो बेसिकली हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्री लिविंग है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन थी बेसिकली आपकी किसकी, ब्रायोफाइट्स की। अब ब्रायोफाइट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, बेसिकली लीवरवर्ट और मॉसेस। नाम देखो, नाम से इंडिकेट हो रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीवर की तरह लगता है ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था आपके यहाँ पे, तो ये क्या था, ये लीवरवर्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो
इसमें देखो ज़्यादा बात करने की बात यही थी कि बेसिकली इसकी हैबिटेट कैसी होती है, तो मैं बता चुका हूँ बच्चे आपको, ये शेडी प्लेसेस पे मिलते हैं, ठीक है। मेन बात इनकी करने वाली क्या है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली किस तरीके से करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे गैमा कप्स होते हैं, या गैमिक वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली क्या होता है, ये गैमा कप्स होते हैं, और वो क्या करते हैं बाद में गिरते हैं और नया जो आपका थैलस बन जाता है। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पहले बात मेंशन कर रखी है यहाँ पे कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं आर्किगोनी और एंथ्रीडियो फोर, ठीक है, और ये क्या करेंगे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और वो बाद में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉडी बनती है वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक फूड सीटा और कैप्स्यूल रहता है, और कैप्स्यूल जो है वो इसमें क्या होते हैं स्पोर मदर सेल्स होते हैं और वो क्या बनाते थे आपके स्पोर्स बनाते हैं। और रही बात एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में आपका मार्केशिया आता है, एंथोसिरोस आता है और रिक्शी आता है। तो ये तो जनरल फीचर्स थे आपके किसके लिवरवर्ट्स के। और अगर मैं आपको एक कॉमन फीचर बताऊं जो क्वेश्चन कभी आ सकता है, वो है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर की ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बेयर रॉक्स जो होती हैं उसमें सक्सेशन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। अगर आपने प्लस टू में इकोलॉजी की के बारे में पढ़ा होगा, जो ड्रॉपर सेशन वाले हैं या क्रैश वाले हैं उनको पता होगा कि सक्सेशन क्या होता है। तो सक्सेशन में बेसिकली ये जो बेयर रॉक वाली सक्सेशन होती है उसमें पायोनियर कम्युनिटी कौन होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स आते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मॉसेस के बारे में। मॉसेस बेसिकली क्या होती है, ये भी गैमेटोफिटिक जनरेशन है और ये दो स्टेजेस में डिवाइड की गई है, एक है आपका प्रोटोनिमा और दूसरा है आपका लीफी स्टेज। तो सबसे पहले जो गैमेटोफाइट होता है वो बेसिकली स्पोर जर्मिनेट करने के बाद क्या बनता था प्रोटोनिमा। ये प्रोटोनिमा जो है वो पहले जो होती है क्रीपिंग स्टेज होती है, उसके बाद वो थोड़े से लीफ स्ट्रक्चर लग जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है लीफी स्टेज कहा जाता है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है बच्चे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकती है, या फिर ये जो प्रोटोनिमा होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बडिंग के बाद क्या बनते हैं आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने मेंशन कर लेनी है। तो ये बेसिकली जो अपेक्स रीजन होता है लीफी शूट्स का, वहाँ पे बेसिकली ये सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन रही तो रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होगी जो पैटर्न हमने साइड में बना रखा है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। देखो स्फेग्नम के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि स्फेग्नम का बेसिकली यूज क्या है, तो स्फेग्नम का यूज क्या है आपका, ये इसको पीट मॉस भी कहा जाता है। पीट एक तरह का फ्यूल होता है जो कि फ्यूल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो ये था बेसिकली ब्रायोफाइट्स के बारे में सारे का सारा कंक्लूजन, यहीं से बेसिकली आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। अगर कोई टॉपिक आपका बीच में छूट गया आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन से उसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स।